सबसे पहली टीम टीम नो वैल्यू वैल्यू पे स्प्रे। क्या बात है जी गॉड, चलती गाड़ी से नॉक निकाल दिया। और अब पुश आएगा, अब पुश जाता हुआ टीम गॉडलाइक का, पर हाथ में है ग्रेनेड। गन की जरूरत थी लेकिन इस बार ग्रेनेड ही करेगा काम। नियॉन को टेक डाउन करते हुए एस पावर तोड़ के उनका नॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है। गोजो की तरफ बढ़ते हुए ऊपर की तरफ खिलाड़ी और लेक्टर की पोजिशन, जी गॉड इज ऑल्सो डाउन। टीम गॉडलाइक के ऊपर भी बराबरी का वार चलता हुआ यहाँ पर। लीवाई नो वैल्यू के लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम ध्यान देना पड़ेगा, जी गॉड इज ऑल्सो डाउन। Jonathan is also down. Neo is also down. Espar being the last man standing. Zygod and Jonathan की smoke का इस्तेमाल किया जाएगा, but champ अभी भी वो पीछे मौजूद है। शायद Zygod ने already उनको देख लिया, but इसी के साथ गाड़ी के उतरते ही एक और खिलाड़ी sky, उनको भी down किया जाएगा। Jonathan एक और frag के साथ 10 total frag इस खिलाड़ी के बाद scout down किए गए Luffy के द्वारा। but champ देखना ये है कि टीम गॉडलाइक की मुश्किलें कितनी वो बढ़ा सकते हैं। बड़ा ब्लास्ट किया गया, क्रीड को उन्होंने डाउन किया और अब बारी आती है वॉर गॉड के दो खिलाड़ियों की। पहले पीछे थे क्रीड, इकलौते क्रीड की पोजीशन ऐसी थी, मुझे लग रहा था कि कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन वो अंदर की तरफ आए और सीधा अंदर चले गए जहाँ पे यहाँ आदित्य भी मौजूद सामने की तरफ। जी गॉड काफी अच्छा, जॉनथन विद 10 फ्रैग्स, 11 क्रॉस हो पाएगा। जॉनथन उनको स्पॉट किया गया, आदित्य के द्वारा डैमेज उनको पड़ा है, अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। बट अभी भी आप देखें जी गॉड जिस तरीके से उन्होंने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, क्या बढ़िया ग्रेनेड्स उन्होंने मारे इस पूरे मुकाबले में। और मैं बात कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड उनके पास है बट ये डैमेज उनको पड़ा नहीं। इस पावर उन्होंने डाउन किया आदित्य को और अब बारी आती है वॉर गॉड के उस आखिरी खिलाड़ी के, जी गॉड उनको भी डाउन किया जाएगा। क्लोज एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, जो नॉक था वो फिनिश किया जाएगा। और अब बारी आती है एक आखिरी खिलाड़ी, देखना ये कि क्या वो समाप्त होंगे। जी हां जॉनथन 11 टोटल